पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था। छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था ना। स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था। पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द लोफर में। क्या आप अपने जिंदगी में उतने ही अकेले हो जितना मोटिया पेलते वक्त होते हो? क्या आप अपने जिंदगी में उतने ही अकेले हो जितना अपना लूडो खेलते वक्त होते हो? क्या आप भी भरना चाहते हो ताले में चाबी? क्या आप भी सेट करना चाहते हो पड़ोस वाली भाभी? क्या आप भी करना चाहते हैं हसीन कांड? क्या आपके अकेलेपन ने आपको दिखा दी है आपकी ही गांड? और क्या इन सब से छुटकारा पाने के लिए तुम YouTube में टोटके ढूंढ रहे हो? तो मुबारक हो भोसड़ी वालों, तुम्हारा कट चुका है और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से YouTube इंडिया पे बैन हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे YouTube के उस काले कोठे की जहाँ पे हवस का नंगा नाच चल रहा है, वो भी बिना म्यूजिक के, जहाँ सिखाए जा रहे हैं शादीशुदा आंटियों और भाभियों को सेट करने के टोटके, वो भी एकदम साइंटिफिक। तो YouTube में यूं ही डोलते हुए मुझे मिली ये अनर्थकारी वीडियो। सिर्फ दो शब्द बोले शादीशुदा औरत के सामने और खुद करेगी वो आपसे प्यार का इजहार। और खीर में जहर मिला के खाने वाली बात तो ये कि इसमें 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दिखाए हुए टोटके को अपने घर में आप आजमाएं और चूतिया बन जाएं। जय नंद बाबा की। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो पर नजर डालते हैं और शुरू करते हैं बकचोदी का ये सिलसिला। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। आप किसी शादीशुदा औरत को पसंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करे? आप शादीशुदा औरत को अपने वश में करने के लिए ये उपाय अपनाएं। दोस्तों ये एक बहुत शक्तिशाली उपाय है जिससे आप किसी भी शादीशुदा औरत को अपने वश में कर सकते हैं, वो भी उसके सामने सिर्फ दो शब्द बोलकर। और वो प्यारे प्यारे दो शब्द हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अचूक नुस्खे और मंत्र जिसके द्वारा आप किसी स्त्री को अपने साथ संभोग करने के लिए मना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करने की बात तक तो ठीक थी, मगर परिवारजनों, अरे ये भोसड़ी वाली हमको जायदाद से बेदखल करवाएगी। जरा सोचो यार कि अगर तुमने ये वीडियो अपने किसी परिवारजनों के साथ शेयर कर दी, फिर तो तुम्हारी सामूहिक प्राण तुड़ाई होगी और फिर तुम्हें उसे जोड़ने का टोटका भी नहीं मिलेगा। फिर करते रहना भाभी सेट। खैर चलो यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो का टोटका। आइए जानते हैं ऐसे दो शब्द जिन्हें बोलकर आप शादीशुदा औरत को अपने वश में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए ये सामग्री। उस औरत के पैरों के नीचे से उठाई गई मिट्टी। हाँ, और अगर पैरों की मिट्टी ना मिले तो आप उसकी पीली टट्टी भी ले सकते हैं, मगर शर्त ये है टट्टी पीली होनी चाहिए। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। लाल कपड़ा, आपके सिर का एक बाल, और अगर ज्यादा मुठिया पेलने की वजह से आपके सिर में बाल ना बचे हो तो आप कहीं और के भी बाल यूज कर सकते हैं, और वो कहीं और आपको खुद से डिसाइड करना है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। एक नींबू, थोड़ा सा सिंदूर, दो बादाम और वाह क्या बादाम है भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ अगर ये बादाम है ना तो ये सनी लियोनी है। इस उपाय को करने के लिए नींबू को दो हिस्सों में काट लें और उन दोनों हिस्सों को अपनी गांड में फिट कर लें। दोनों हिस्सों के अंदर वाले भाग में उस औरत के पैरों की टट्टी लगा दें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। फिर दोनों हिस्सों के अंदर अपने सिर का एक बाल रखें। दोनों नींबू के हिस्सों को जोड़कर उसके ऊपर लाल धागा बांध दें और इस नींबू को लाल कपड़े के ऊपर रख दें। अपने दाएं हाथ में दो बादाम पकड़ लें। अरे भाई ये हमें अपने बादाम पकड़ने के लिए क्यों कह रही है, हम क्यों पकड़े अपने बादाम? अगर बादाम ही पकड़ना होता तो क्यों देखते हम ये वीडियो।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। सिंगल लौंडे इतने सिंगल हो गए हैं कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की सिंगल है या फिर किसी की माशुका। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की शादीशुदा है या फिर किसी की माशुदा। उन्हें तो बस लड़की सेट करनी है। और इनकी इन्हीं काम वासनाओं के कारण ऐसी चूतिया काटने वाली वीडियो जन्म लेती है। और यही नहीं, कुछ वीडियो और उनके थंबनेल तो इस वीडियो से भी चार हाथ आगे हैं। जैसे कि ये दो लौंग और दो इलायची के साथ करें किसी के भी साथ मनचाहा संभोग, पेशाब करते समय बोल दे ये मंत्र, होगा संभोग वशीकरण। अरे भाई किसने सोचा था कि बस मुत्ते हुए एक मंत्र बोलना है और जिंदगी में होगा संभोग ही संभोग। और भाई अगला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसे मैं खुद आजमाने वाला हूँ। तो प्रेजेंटिंग तड़कता भड़कता ये वीडियो, लिंग पर नाम लिखकर सात बार मंत्र बोलते ही तड़प उठेगी संभोग के लिए। बहुत सही। नहीं भाई, यहाँ देश सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है और ये लोग हमें लंड में नाम लिख के वश में करना सिखा रहे हैं। और भाई कुछ महान लोगों ने तो समस्या के निवारण के लिए अपना फोन नंबर तक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। भाई कसम से इस देश से बेरोजगारी जाए ना जाए, मगर चूतिया कभी नहीं जाएंगे। और भाई मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाने वाले इतने हरामी है ना कि वीडियो के डिस्क्लेमर में ही कह देते हैं कि कृपया बच्चे इस वीडियो को ना देखें। भाई सबसे ज्यादा नुन्नू में नाम ना बच्चों ने ही लिखे हैं। तो यार बस जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम ऐसे वीडियोस और ऐसे टुटकों से जितना हो सके उतना दूर रहो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके आंटी की घंटी भी बजा लो। और मुझे मजे नहीं आ रहे हैं यार, तो कमेंट करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी थोड़े मजे आए। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में मत कर देना, वरना अपने जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे भी मियां खलीफा का नाम लिखना है अपने लिंक पे। तो बाय। रवि, क्या तू भी नाम लिख रहा है मियां खलीफा का? अबे साले पहले इंट्रो लगा, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए।